एनटीपीसी कोरवा के शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राधा अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मंदिर की आकर्षक सजावट की गई, राधा रानी का पंचामृत अभिषेक किया गया, मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मंदिर में सैकड़ों भक्त राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। आज यहाँ पर जन्मोत्सव राधा अष्टमी को मनाया गया। चौबे जी के परिवार की तरफ से यह आयोजन किया गया। शिव मंदिर अपना जो एनटीपीसी उनके साथ भजन कीर्तन और ध्यान ज्ञान की क्या महिमा है। जीवन में भक्ति भजन के साथ साथ हमारे जीवन में जीवन मूल्यों का क्या महत्व है, क्यों जीवन मूल्य होता है, उत्कृष्ट भी होता है और जीवन सफल भी होता है। इसलिए जीवन मूल्यों के साथ आध्यात्म के साथ कर्म और शिक्षा, यही आज का सार राधा जी ने हम सबको प्रसाद के रूप में दिया है। गुरु का जो प्रसाद है ज्ञान वो सब पाए और गुरु के मार्ग पे सफल हो, सबके लिए आशीर्वाद भी है, एक सबके लिए एक मंगलमय मार्गदर्शन भी है। इस मृत्यु लोक में धर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, तब तक उनकी संख्या भी उनके साथ आती है। तो उसी तरह से भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो जगत जननी जी सीता जी के रूप में सामने आई। सीता जी एफर्ट है तो करोगे तो होगा। शरीर में उन्हें पारिवारिक आनंद की प्राप्ति नहीं, समय का सदुपयोग कर भगवान श्री राम के साथ आनंद नहीं हुआ, इसलिए उन्हें राधा रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में अंत तक लगी रही। मैंने कृष्ण के प्रेम के सिवा राधा जी को कुछ नहीं चाहिए था। तो जितना कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमारे धर्म शास्त्रियों का कहना है कि अगर हम एक राधा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कृष्ण जी के हजार जन्मोत्सव के बराबर